नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल AY5 ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है सामान्य ज्ञान का। इससे पहले हमने विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लगाया है, भारतीय संविधान से संबंधित प्रैक्टिस सेट, रेलवे ग्रुप डी से संबंधित हम लगा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उनका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। इसमें रेलवे ग्रुप डी के अलावा NTPC का एग्ज़ाम, CBT को होना है, SSC और UP पुलिस से संबंधित जो भी है स्टेट लेवल, जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जितने भी सरकारी एग्जाम होते हैं उन सभी में रेलवे ग्रुप डी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? अजंता, एलोरा, सोपारा या वातापी? इसमें राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह अजंता थी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अजंता। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? जो शिवाजी थे उन्होंने सूरत को कितनी बार लूटा था? चार ऑप्शन है, इनमें से तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। उन्होंने 2 बार सूरत को लूटा था। थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? 19, 22, 18, 16। तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध है वह समाप्त हुआ था? ऑप्शन है ताशकंद संधि, दूसरा है वर्षाय संधि, तीसरा है तिलसिट संधि, चौथा है बर्लिन संधि। तो किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उस संधि का नाम पूछा है, तो वह ताशकंद संधि से ही विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध है समाप्त हुआ था। इसे ताशकंद संधि से विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने तुजक्र ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? बाबर ने तुजक्र ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे, उस भाषा का नाम पूछा गया था। चार ऑप्शन दिए हैं, मंगोल भाषा, तुर्की भाषा, फारसी भाषा या अरबी भाषा। तो किस भाषा में लिखे थे बाबर ने? तो उसका नाम है, उन्होंने तुर्की भाषा में, उनको तुजक्र ए बाबरी नामक अपने संस्मरण तुर्की भाषा में लिखे थे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन काल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, वेल्सले, डलहौजी या वॉरेन हेस्टिंग्स। तो किसने सदर दीवानी अदालत की स्थापना की थी? इसने वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस सदर दीवानी अदालत की स्थापना की थी। आपको नाम याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति हैं जो कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, कभी नहीं या 1 बार। तो भारत के राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर सकते हैं? कभी भी नहीं। वित्तीय आपात की घोषणा कभी भी नहीं की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद है 164, 163, अनुच्छेद 166, 167। किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है मुख्यमंत्री के कार्यों को? तो उस अनुच्छेद का नाम है, अनुच्छेद 167 के अंतर्गत भारत के जो मुख्यमंत्री है उसके कार्यों को परिभाषित किया गया। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, चिली सोरा किसका सामान्य नाम है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चीली सोरा किसका नाम सामान्य नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, फोर्थ है पोटेशियम नाइट्रेट। तो चीली सोरा किसका सामान्य नाम है? चीली सोरा किसका सामान्य नाम है? तो यह सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम होता है चीली सोरा। किसका? चीली सोरा सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, गेमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? गेमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, गेमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? इन चार ऑप्शनों में से क्या होगा? गेमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? गेमेक्सेन का रासायनिक नाम है टालुइन। क्या? टालुइन गेमेक्सेन का रासायनिक नाम है। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की लाल संडांड किसके कारण बनती है? जो गन्ने की लाल संडांड है वह किसके कारण बनती है? यह गन्ने की लाल संडान किसके कारण बनती है? यह बनती है केलेटो ट्राइम फेलकेटम, इसके द्वारा, केलेटो ट्राइम फेलकेटम के द्वारा गन्ने की लाल संडान बनती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन है गुजरात से, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात के साथ ही है सबसे लंबी तट रेखा। गुजरात नाम आपको याद रखना है, गुजरात राज्य के साथ है सबसे लंबी तट रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या केरल में। निम्नलिखित में किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल के अंतर्गत लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, केरल राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बादल फटने से क्या अभिप्राय है? बादल के फटने से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा, भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश होना बादल फटने से अभिप्राय होता है। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक वनडे मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक वनडे मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? चार ऑप्शन है, सूजी बेट्स, स्मृति मंधाना, मिताली राज और अनन्या सरफसोली। उस महिला खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने वनडे में सर्वाधिक खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वो है मिताली राज, इंडिया की तरफ से खेलती हैं, भारत की हैं। मिताली राज ने सर्वाधिक वनडे मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया महिलाओं में। थर्ड नंबर ऑप्शन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, ऑप्शन है पानी से होकर कांच में होता है, कांच में जाता है, कांच से होकर पानी में जाता है, कांच से होकर वायु में जाता है, पानी से होकर वायु में जाता है। तो उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश इसमें होकर प्रवेश करता है, बताइए। जब पानी से होकर कांच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है प्रकाश का। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किससे ने प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है वेनिमेन, वर्नाइस्के, एजी टेंसले, एस ए फोर्स। तो यह किसने प्रस्तुत की थी? यह की थी एजी टेंसले ने, जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली है वह एजी टेंसले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक में तीन बैंकों को सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए की पाबंदी से बाहर कर दिया गया है, निम्न में से कौन सा बैंक इनमें सम्मिलित नहीं है? आपसे पूछा सम्मिलित नहीं है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने तीन बैंकों को सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए की पाबंदी से बाहर कर दिया गया है, निम्न में से कौन सा बैंक इनमें सम्मिलित नहीं है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या विजया बैंक। इसमें से विजया बैंक है, इसको सम्मिलित बैंक में सम्मिलित नहीं किया गया है और तीनों को सम्मिलित किया गया है।
तो फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है, विजया बैंक। डीटीपी का क्या अर्थ है, फुल फॉर्म पूछिए, फुल फॉर्म ऑफ डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, दूसरा ऑप्शन है डाटा टाइप प्रोग्रामिंग, डॉक्यूमेंट टाइप प्रोसेसिंग, या फिर डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो डीटीपी का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है वह चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है। ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना था। इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वैट किस पर लगाया जाता है, जो वैट है वह किस पर लगाया जाता है। वैट उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में लगाया जाता है, जो वैट है वह उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में लगाया जाता है, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यदि हम देखें तो आंसर होगा सभी प्रकार की बचत का योगफल, इस पर सभी प्रकार की बचत के योगफल लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अस्थायी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, भारत का सबसे बड़ा अस्थायी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल में। तो भारत का सबसे बड़ा अस्थायी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है वह केरल के अंदर स्थापित किया गया है, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैकीवर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंतः समाज से क्या बनता है। जो मैकीवर हैं वो कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंतः समाज से क्या बनता है। ऑप्शन है राज्य, राष्ट्र, नगर राज्य, संस्था। तो बनेंगे राज, उनसे क्या बनता है, राज बनता है। जो मैकीवर ने कहा है कि बंधु बांधवों से समाज बनता है, तो अंतः समाज से क्या बनता है, एक राज्य बनेगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्योंकि रैम है उसका प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। ऑप्शन है, यह प्रोग्रामिंग योग्य होता है, यह बहुत महंगा होता है, यह परिवर्तनशील होता है, इसमें कम क्षमता होती है। ये क्वेश्चन है जो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है हमें। अपना जवाब ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दें, उसका हम आंसर आपको रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न, प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। इससे पहले हमने कई प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर रोजाना रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSC वगैरह सभी से संबंधित आपको मिलती रहेगी। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे आपके लिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे और भी आपके साथी गण वो इस चैनल पर जुड़ सकें और रेलवे ग्रुप भी, NTPC वगैरह इनकी सभी की तैयारी कर सकें। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार वीडियो को नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।